वार्ड नंबर 31 से सपा प्रत्याशी सत्य प्रकाश ने जनसंपर्क किया। फिरोजाबाद में नगर निकाय चुनाव को लेकर समाचार 24 की टीम वार्ड 31 पहुंची, जहां चुनावी माहौल में सपा पार्षद प्रत्याशी सत्य प्रकाश और पप्पू गौतम से खफा मुलाकात की। साथ ही पार्षद प्रत्याशी से ने बताया कि वार्ड 31 की जनता बदलाव चाहती है और ईमानदार कर्मठ जुझारू प्रत्याशी चाहती है। समाजवादी पार्टी ने सत्य प्रकाश और पप्पू गौतम को टिकट दिया है, उसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। साथ ही बिजली खरंजा नाली की समस्याओं को जल्द ही सुधारने की बात कही है। स्वराज सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। भाई साहब, क्या नाम है और किस पार्टी से पार्षद प्रत्याशी है और किस वार्ड से उम्मीदवार हैं आप? मैं मेरा नाम सत्यप्रकाश और पप्पू गौतम है। मैं वार्ड नंबर 31 से प्रत्याशी हूँ, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट दिया, क्या कहना चाहते हो समाजवादी पार्टी से? मैं समाजवादी पार्टी का शुक्रगुजार करता हूँ क्योंकि उनने मुझको टिकट दिया। अच्छा, आपने जनसंपर्क भी किया होगा, तो कैसा जनता का रुझान है, कैसा रुख है देखने को मिला आपको? जनता बदलाव चाहती है, विकास के मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मेरा विकास के मुद्दे पानी, सड़क, नालियां और जो आम सुविधा जनता को मिलनी चाहिए वो मेरी प्राथमिकता है। अच्छा, राजनीति के चुनाव के मैदान में उतरे हैं आप और सपा ने पहली बार आपको टिकट दी, कितने दिन से राजनीति में, कितने वर्षों से हैं आप? मैं 30 वर्ष से राजनीति में हूं और समाजवादी पार्टी से मैं थोड़े अभी ही जुड़ा हूं मैं उनसे। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहते, जनता से किस तरह की अपील करना चाहते हो? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूं, एक मैं जुझारू, एक संघर्षी और संवेदनशील, सब चीज का ज्ञान है मुझको और मैं जनता यही चाहता हूँ कि भारी से भारी वोट देकर मुझे विजय बनाए। फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 6 से समाजवादी पार्टी की